जम्मू कश्मीर में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है ये कहना अभी बेहद मुश्किल है। कुछ एग्जिट पोल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत दिखा रहे हैं तो कुछ हंग असेंबली की ओर इशारा कर रहे हैं। राज्य में एक संभावना ये भी नजर आ रही है कि बीजेपी निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बना लेगी। एक स्थिति में गुपकार गठबंधन की सरकार बनने की भी संभावना नजर आ रही है। हंग असेंबली में 5 मनोनीत सदस्य भी किंग मेकर साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर 5 सीन बन रहे हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सीन नंबर 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बना सकते हैं। लगभग सभी एग्जिट पोल इस ओर इशारा भी कर रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को 46 से 50 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अगर एग्जिट पोल के रुझान परिणाम में बदलते हैं तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन सकती है। सीन नंबर 2, गुपकार गठबंधन की सरकार। कई एग्जिट पोल इस ओर इशारा भी कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किसी भी दल को बहुमत न मिले, यानी हंग असेंबली। ये वो स्थिति होगी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंचेगी। ऐसी स्थिति में गुपकार गठबंधन की सरकार बनने की संभावना है। गुपकार गठबंधन में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट, पैंथर्स पार्टी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल हैं। लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस इससे निकल गई थी। हालांकि हालात बदलने पर कांग्रेस एक बार फिर इस गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। सीन नंबर 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि पीडीपी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। फारूक अब्दुल्ला का यह बयान एग्जिट पोल के रुझान को देखते हुए काफी मायने रखता है। दरअसल कुछ एग्जिट पोल इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि पीडीपी को 12 के आसपास सीटें आए और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन बहुमत से कुछ सीटें पीछे रह जाए। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस भी मिलकर सरकार बना सकती हैं। हालांकि पीडीपी की ओर से अभी इस तरह का कोई भी बयान सामने नहीं आया है कि वो गठबंधन के साथ सरकार बनाएगी। सीन नंबर 4, निर्दलीय संघ बीजेपी की सरकार। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने यह कहकर कि हम निर्दलियों के टच में हैं, राज्य में सरकार बनने की नई संभावना पैदा कर दी है। कुछ एग्जिट पोल के रुझान में बीजेपी को 32 सीटों तक मिलने का अनुमान जताया गया है। अगर ये रुझान सही साबित होते हैं तो बीजेपी भी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। बीजेपी भी शायद ऐसा मानकर चल रही है, इसलिए उन्होंने निर्दलियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर चुनाव में बहुत से निर्दलीय और छोटे छोटे दलों ने भी हिस्सा लिया है। विपक्षी दल इन्हें बीजेपी का प्रॉक्सी बता रहे हैं। इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि ये छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार परिणाम को प्रभावित कर दें। इसी आधार पर किसी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलने के आसार लगाए जा रहे हैं। सीन नंबर 5, असली किंग मेकर होंगे 5 मनोनीत सदस्य। जम्मू कश्मीर में अगर किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं होता तो असली किंग मेकर 5 मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा 5 सदस्य चुने जाएंगे। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस खुलकर इसके विरोध में आ गए हैं। इस नई व्यवस्था के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 मनोनीत सदस्यों के बाद कुल सदस्यों की संख्या 95 हो जाएगी। इसके बाद राज्य में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 48 पहुंच जाएगा। तो कौन होगा घाटी की सियासत का सुरमा, ये मंगलवार को साफ हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। घाटी की हर छोटी बड़ी हलचल के लिए आप देखते रहें NDTV।